नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन प्रबंध के बारे में। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग। और इसके अलावा एक और टॉपिक है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन जो है इस पर बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे फिर यूजीसी नेट की हो, ठीक है। और ये टॉपिक जो क्या ये पूरी यूनिट है ये बहुत आसान है और इसको जल्दी कवर करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर हमने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है मेरी इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर इस यूनिट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप सारे ही टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर प्लीज़ लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है बेसिकली पहले उसके बारे में बता दूँ आपको। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, आप देखिए बार्गेनिंग का मतलब होता है कि आप मोल भाव कर रहे हो, ठीक है। दो इंसान हैं आपस में बात कर रहे हैं और एक इंसान अपनी बात रख रहा है, दूसरा इंसान अपनी बात रख रहा है, और लास्ट में होता है उसमें हम कि सहमत हो जाते हैं एक मिडिल पॉइंट पर, या फिर मिडिल पॉइंट पर कह सकते हैं, या फिर जो जो भी एक दूसरे को डोमिनेट कर पाएगा या दूसरे पर दबाव डाल पाएगा तो उस हिसाब से हो जाएगा कि लास्ट में समझौता होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यही कहा जाता है। तो इसकी जो सर्वमान्य परिभाषा जो है वो दी है आईएलओ ने। आईएलओ मतलब एक संगठन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो संस्था है वो बनी थी 1919 के दौरान। यूएन की एक बॉडी है ये, और इसके मैनुअल में लिखी हुई है। 1960 में इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई थी, वही मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, निगोशिएशंस अबाउट वर्किंग कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन बिटवीन एन एम्प्लॉयर। देखिए यहाँ पर निगोशिएशंस का मतलब ये होता है कि बातचीत करना। दोनों बातचीत करते हैं किस बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में, यानी कि वर्कर के पास की वर्कर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर कंडीशंस कैसी हैं, उनको सुविधा मिल रही नहीं मिल रही, अच्छी सैलरी दे रही नहीं मिल रही नहीं मिल रही, इसके इन सभी के बारे में चर्चा होती है, बातचीत होती है, और लास्ट में एक एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग सहमत हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी जो दोनों के जो गोल हैं, जो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पर। यहाँ पर चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे निगोशिएशंस होते हैं, ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग मतलब होता है कि हम एक चीजों को लिख लेते हैं लास्ट में। लास्ट सबसे लास्ट में क्या होता है, बातचीत हो गई, उसके बाद हमने उसको रिटर्न लिख लिया है, और उसके बाद में सहमति पर जो सहमति बन गई है हमारी, उसको मैं नोट डाउन कर लिया है। ये ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होता है कि हम टॉप लेवल पर उसको परखना चाहते हैं, मतलब क्लियर है कि हाँ जो हमने कहा है, जो हमारी जो हमारा जो समझौता है वो एक्चुअल में होना चाहिए, जो सर्वमान्य होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं उसको कि दोनों को प्रॉफिट हो रहा है या दोनों को लॉस हो रहा है। लास्ट में इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है बार्गेनिंग के दौरान, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो बातचीत होती है चीज़ों को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, सैलरीज को लेके, वेजेस को लेके, इन सब के ऊपर जो लास्ट में सहमत बनती है, तो इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। तो ये है मतलब सिंपल, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि टाइप्स कौन कौन सी होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, कितने तरह की हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर एक को प्रॉफिट होगा दूसरे को लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस हो जाता है, तो इस तरह की जो बार्गेनिंग होती है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, यानी कि एक प्लस हो जाएगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में यही होता है, दोनों को लॉस नहीं होगा, दोनों को प्रॉफिट नहीं होगा, एक को लॉस एक को प्रॉफिट होगा, यही दूसरा इसका दूसरी जो है इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव में क्या होता है, दोनों को हम लोग बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं, यहाँ पर हम दोनों को लॉस नहीं होने देते, दोनों को प्रॉफिट होने या बराबर में हम खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है बैलेंस अप्रोच है ये, तो हम दोनों को प्रॉफिट दोनों को लॉस ऐसी सिचुएशन में रख देते हैं, यानी कि एक को लॉस एक को प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर दोनों को प्रॉफिट होने की संभावना रहती है हमारे इंटीग्रेटिव में, ठीक। इसके बाद में प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो जो मसले हैं, जो फिर झगड़े हैं, उनको भी उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग के दौरान। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर सिर्फ फोकस ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिविटी पर होता है, प्रोडक्शन के ऊपर होता है, जो हम माल बना रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। फिर होता है कंपोजिट। कंपोजिट बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि हम एक चीज का निपटारा करने के लिए हम कई सारी चीज़ों का निपटारा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे होता है कि एक जैसे मान लीजिए मैं ये एक प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कई सारी प्रॉब्लम को निपटा सकते हैं, ठीक है। एक जैसा होता नहीं कि जो है मान लीजिए हमने सैलरी वेजेस सही कर दी, ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है वो भी सही हो जाएंगी, हमारी जो और भी प्रॉब्लम आ रही है वर्कर्स के बीच में वो भी सही हो जाएंगी, मतलब हर कुछ सही हो जाएगा सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट मतलब एक एक स्टेप से हम कई सारे स्टेप ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट।
ठीक। और लास्ट में आता है कंसेशनरी। कंसेशनरी का मतलब ये होता है कि वर्कर्स कुछ चीजें मान जाते हैं अपनी। जैसे मान लीजिए वर्कर्स कुछ यहाँ पर थोड़ा सा लीन हो जाते हैं। मतलब लीन होने का मतलब ये है कि वर्कर्स कहते हैं कि हमको अच्छी कंडीशन दे दीजिए, आपको सैलरी भले ही थोड़ी कम कर दीजिए। ये होता है यहाँ पर, कंसेशन दिए जाते हैं यहाँ पर। दोनों तरफ से हो सकता है ये, या तो फिर वर्कर लीन हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा सा लीन हो जाएगा किसी एक शर्त के साथ में, दूसरी वो शर्त मान लेते हैं। ये सब यहाँ पर कंसेशनरी बार्गेनिंग के दौरान होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है सारी जो टाइप्स हैं यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं फीचर्स क्या हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। फीचर्स का मतलब यहाँ पर कि एक कैसा प्रोसेस है। देखिए, इट इज अ ग्रुप एक्शन। मतलब यहाँ पर ग्रुप में बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि एक इंसान दो इंसान बैठ कर बात कर लेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होगी वो ग्रुप में होगी। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वर्कर्स हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर 100-500 वर्कर्स काम करते हैं, तो उनमें उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक इंसान नहीं होगा, उसमें उसमें भी एक पूरा ग्रुप होगा। जो 10-15 लोग होंगे वो जाके कंपनी के जो मैनेजर है या फिर जो एम्प्लॉयर है उससे बातचीत करेंगे। तो वहाँ पर एक ग्रुप का काम होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने बार्गेनिंग कर लिया आपको जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बार्गेनिंग जो है वो डे टू डे लाइफ में या फिर साल के एंड में, मंथ के एंड में होती रहती है। देखिए, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल, नॉट फिक्स्ड एंड स्टैटिक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। यहाँ पर हम एक बंदा बनाया चीज नहीं करते हैं वो, हम यहाँ पर हर बार कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, चीजें जो है प्रिडिक्टेबल नहीं है यहाँ पर, अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार इस चीज से मान गए तो दूसरी बार इसी चीज से मान जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलती रहती है, तो उस हिसाब से हमको उस टाइम वर्क करना चाहिए। ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क की बात करता है। यहाँ पर बात करता है कि हमको वर्किंग कंडीशन जो है हमारी सही होनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जितने लोग काम कर रहे हैं सबको बोलने का राइट होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का राइट होना चाहिए। तो ये बात करती है जो वर्क एरिया है हमारा उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये बात करती है। डेमोक्रेसी मतलब सिंपल बता दिया होता है कि जो लोग हैं उनको उनकी पावर होनी चाहिए वहां पर। और इट इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है हम यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हैं, चीजों को अपनी बात को क्रिएटिव वे में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिंपल फीचर। ठीक है, इसके बाद कुछ हिंड्रेंसेस का मतलब ये होता है कुछ ऐसी चीजें जो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग के दौरान आती हैं जो उसमें रुकावट पैदा कर सकती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के दौरान कुछ रुकावट पैदा करने वाली चीजें हो सकती है जिनको हम आप कह सकते हो कि ये चीजें नुकसान कर सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग ना होने के। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ना हो पाने का रीजन हो सकता है ये। सबसे पहला है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव प्रोसेस का मतलब कि देखिए दोनों चीज, दोनों जैसे जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, दोनों के जो मोटिव्स हैं, जो दोनों का जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। वर्कर्स को अच्छी सैलरी चाहिए और उनको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। दोनों दोनों का मोटिव जो है अलग है, इसलिए यहाँ पर कम्पीट करना जो है कम्पिटिशन होता है। और कह सकते हो आप दोनों के जो गोल है वो कोलाइड नहीं करते हैं एक बार, कई बार तो उसमें यहाँ पर यही दिक्कत कर जाता है हर बार। देखो, ये सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है उसमें, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही कि इसको ये फायदा चाहिए तो इसको ये फायदा चाहिए। दोनों एक दूसरे के बारे में अगर सोचेंगे तो ये दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, इसके बाद में देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि कई बार होता है कि एक कंपनी के अंदर ट्रेड यूनियंस कई सारी बन जाती हैं, तो वहां पर जो मालिक है या फिर जो एम्प्लॉयर है उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो किस ट्रेड यूनियन से बात करे जाके। अगर ट्रेड यूनियन सारी मिलकर एक गुट बना ले और वो आकर एम्प्लॉयर से बात करे तो आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन अगर गुट ज्यादा ज्यादा बन जाते हैं वर्कर्स के दूर बीच में तो उसमें क्लियर नहीं होता कि कौन सा जो गुट है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेट कर रहा है उसको, पूरे वर्कर्स को। तो ये दिक्कत करता है कि यहाँ पर कई सारे गुट बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब टाइम टू प्रोटेस्ट, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है कई बार, तो ये भी एक हिंड्रेंस बन जाता है। और ह्यूमन नेचर जानते हैं आपकी, ह्यूमन जो है एक्चुअली में वो लोभी होता है, उसको चीजें ज्यादा चाहिए हमेशा, वो ज्यादातर अपनी ज्यादा फायदे के बारे में सोचता है, अपने ज्यादा ज्यादा फायदे के बारे में सोचता है। तो ये दिक्कत जो होती है बार्गेनिंग के दौरान कि दोनों के जो जो दोनों की चीजें हैं वो कई बार एक साथ नहीं आ पाती, तो ये भी बहुत बड़ा हिंड्रेंसेस है इसके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जो वर्किंग एरिया है उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसकी बात सिंपल वे में यही करता है टॉपिक। डेमोक्रेसी का सिंबल मतलब यहाँ पर ये है कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, उनका कितना से है आपकी कंपनी में डिसीजन मेकिंग में, या फिर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट में कितना से है उनका, वर्कर्स का जो सबसे लोअर लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति है उसकी क्या से है आपकी हायर लेवल पोजिशन पर जो आप डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपके वर्कर्स का कितना रोल है इसके बारे में दिखाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। ठीक है,
तो बेसिक आइडिया है यही है कि यहाँ पर हम एसोसिएट करें, इन्वॉल्व करें किसको, वर्कर्स को, जो सबसे नीचे काम कर रहा है बंदा उसी के ऊपर आप अगर डिसीजन लोगे सबसे ऊपर बैठकर, तो उस डिसीजन का सबसे जो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, वर्कर्स के ऊपर पड़ता है। तो वर्कर्स को, अगर वर्कर्स वर्कर्स का को इफेक्ट पड़ रहा है इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग से, तो उनको अपनी बात रखने का, अपनी बात मैनेजर को समझाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कही जाती है वर्कर्स परसेप्शन इन मैनेजमेंट में, WPM इसको स्टार्ट में बोलते हैं। तो यही दिखाता है कि वर्कर्स एक कंपनी के अंदर जो है डेमोक्रेसी वो मौजूद होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि बात रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल है यहाँ पर शेयर्ड अथॉरिटी का, मैनेजर मैनेजर जो होता है उसके बाद अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि मैनेजर को ये अपनी अथॉरिटी जो शेयर करनी चाहिए किसके साथ में, वर्कर्स के साथ में भी। ये वर्कर्स का मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो नीचे काम कर रहा है, नीचे स्तर पर काम कर रहा है, उसको हम वर्कर कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये है यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव है। तो सर्टन आउटकम जो है इंक्रीज होगी। देखिए इससे क्या होगा, आप वर्कर्स की पार्टिसिपेशन लोगे तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी आएगी इसमें, क्योंकि वर्कर को लगेगा कि हमारी कंपनी हमारा ध्यान रखती है, हमको बोलने का मौका देती है, हमारी सुनती है, जो हम कहते हैं उसको समझती है, ठीक है। तो ये चीज होती है और एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, वर्कर का भरोसा जीतना, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो लेवल्स होते हैं एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन के, लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन का लेवल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 5 लेवल हैं, इसको समझ लीजिएगा, समझ लेंगे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा लेवल होता है इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन का। यहाँ पर सब जो वर्कर्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बेसिक चीजों की इन्फॉर्मेशन मैनेजर से ले सकते हैं, ठीक। तो सबसे लोअर लेवल का ये पार्टिसिपेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेसिक चीजें जो है इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस के बारे में, वो मैनेजर से इन्फॉर्मेशन वर्कर्स ले सकते हैं, ठीक, सिर्फ यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है कंसल्टेटिव, यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं मैनेजर से, उसके बाद में जो मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारी वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं है, हमारी सैलरी इतनी कम है, तो वो कंसल्टेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का डिसीजन लेने का मौका है वो ऊपर वाले लोगों को ही मिलता है, ये ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है कंसल्टेशन की बात होती है, यहाँ पर डिसीजन में अभी पार्ट नहीं लेने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक। तीसरा है हमारा एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर इज मोस्टली बाउंड टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द ओपिनियन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर मॉरली जो है वो जो मैनेजर है या फिर जो हायर लेवल के जो मैनेजमेंट है, वो वर्कर्स की जो है चीज़ों को सुनने के और उनकी जो बातों को मानने के मॉरली बाउंड होते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, अभी इथिकली नहीं हुआ, लॉफुली नहीं हुआ है, लॉ जो है इसमें डिफाइन नहीं कर रहा है, सिर्फ वो हाँ बाउंड हो सकते हैं, कई बार बाउंड होते हैं, ठीक है, बाउंड टू एक्सेप्ट, मॉरली बाउंड है वो। तीसरा है, चौथा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पर हम दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और मिलकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सबसे हाईएस्ट लेवल का नहीं आया है अभी। सबसे हाईएस्ट लेवल का जो पोजीशन होती है इसमें डिसीजिव होता है, यहाँ पर दोनों मिलकर आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और डिसीजन लेते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे उच्च लेवल का यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है डिसीजिव पार्टिसिपेशन के दौरान। और एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसीजिव में सिंपल मतलब सिंपल जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव में डिसीजन साथ में लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर साथ में डिसीजन लेने के दौरान भी वहाँ पर एम्प्लॉयर जो होता है वो जो लास्ट का जो डिसीजन होता है वो खुद लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनको सिर्फ ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसमें से चूज कर लीजिए, इसमें से चूज कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन डिसीजन में क्या होता है उनको खुद चूज करने का मौका मिलता है, डिसीजन खुद लेने का मौका होता है। तो ये जो है यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। सो यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।